प्रेसिडेंट नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। कि दुनिया में हर कोई उगते हुए सूर्य को पहले सलाम करता है, लेकिन बिहार की लोक आस्था का यह पर्व ऐसा पर्व है जिसमें सबसे पहले अस्ताचल कामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद ही उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यह पर्व इतना पौराणिक है, इतना मनोरम है, इसकी जो कथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो इतनी कठिन है कि इसे दुनिया का सबसे कठिन पर्व माना जाता है। शुरुआत होती है नहाय खाय से, जिसमें व्रती गंगा नदी में स्नान करने के बाद आते हैं। घर परिवार को साफ सफाई करने के बाद इसमें कद्दू की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल खाया जाता है। नहाय खाय के दूसरे दिन शुरू होता है खरना। खरना एक अत्यंत कठिन व्रत हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि खरना के दिन से ही व्रती जो है वो भूखे निराहार रहकर निर्जल रह करके व्रत करते हैं और सायकाल में चंडी मैया को वो खरना का प्रसाद, जिसे विशेष रूप से गुड़ से बनाया जाता है, गुड़ और चावल, रोटी जिसे घी से चुपड़ा जाता है और केले का भोग माता को अर्पण किया जाता है और उसके बाद उसी नैवेद्य को भोग किया जाता है, बाकी खाया जाता है। लेकिन खरना में भी एक विशेष नियम है कि जो व्रती खरना कर रहे होते हैं वो दरवाजा बंद करने के बाद घर के भीतर करते हैं। जो घर की बुजुर्ग महिलाएं या पुरुष छठ करते हैं वो घर के अंदर ही छठ करते हैं, खरना करते हैं। उस समय उन्हें बाहर से कोई आवाज नहीं देता है। अगर आवाज दे दिया जाता है या दरवाजे को खटखटा दिया जाता है तो जो व्रती खाना खा रही है वो उसी समय उस खाने को त्याग देती है, उसी समय वो बाहर निकल जाती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई भी उस व्रती को उस समय उनके जो ग्रहण कर रहे होते हैं प्रसाद को, उस समय कोई विघ्न नहीं डाला जाए। खरना करने के बाद यह निर्मल व्रत जो है वो 36 घंटों के निराहार निर्जल व्रत में तब्दील हो जाता है और व्रती 36 घंटे तक न अन्न लेते हैं, न जल लेते हैं और डूबे रहते हैं छठी मैया के गीतों के भाव में और गुनगुनाते रहते हैं। और इसी तरह की गीतों को गाते हुए व्रती ठेकुआ, खेसार, प्रसाद, ठेकुआ। ठेकुआ का मैं जिक्र करना चाहूंगा। ठेकुआ एक विशेष प्रकार का ये है प्रसाद है जिसे छठ में विशेष रूप से बनाया जाता है। इसे आटे और गुड़ के साथ मिला करके बनाया जाता है और छठ का अगर मैं कहूँ तो यही प्रमुख प्रसाद के रूप में जाना जाता है। बड़े बड़े नींबू, नारियल, गन्ने, हल्दी, मूली, इन सब तरह की चीजें, पंचमेवा, ड्राई फ्रूट, इन सब तरह की चीजें छठ के प्रसाद के रूप में उपयोगी की जाती है। मुख्यतः मैं कहूँ तो जो भी चीज प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हरा है, वो जरूर छठ में चढ़ता है। और इस तरह एक बांस को वंश का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए बांस से बने हुए सूप, विशेष प्रकार के सूप उन्हें सब प्रसाद को सजा करके और एक डाले में भरा जाता है और उस डाले को लेकर के जो घर के मुखिया होते हैं वो अपने माथे पर उठा करके छठ घाट की ओर चल पड़ते हैं। इसे पहले से ही विशेष रूप से सजा लिया जाता है और जब व्रती छठ घाट पर जाते हैं तो वहाँ मेले जैसा दृश्य पैदा हो जाता है। हर कोई जो दूर दूर से रहते हैं बिहार के लोग, वो अपने इस आस्था के पर्व को मनाने के लिए जरूर अपने घाट पर आना पसंद करते हैं। कई लोग वहाँ पे अपनी नौकरियों छोड़कर अपने घर परिवार से मिलने के लिए आते हैं और छठ पर्व मनाते हैं। सांझ की अर्घ में जिनकी मनोकामना पूरी होती है या मन्नत होती है वो कोसी में भरते हैं। कोसी एक विशेष प्रकार का बाकी होता है जिसमें दिए लगे होते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। और संध्या आने के बाद कुछ व्यक्ति अपने घर को चले जाते हैं या वही गंगा किनारे बैठ कर गीत गाते रहते हैं और छठी मैया को दोहराते रहते हैं। जैसे ही सुबह होता है व्रती वापस से उसी घाट पर आते हैं और उगते हुए सूर्य को दूर से कच्चे दूर से विशेषकर सुबह का अर्घ जो है दिया जाता है। छठ पर्व की कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन उनमें से विशेषता कहा जाता है कि सीता मैया ने
श्री रामचंद्र जी के लिए छठ पर्व किया था। द्रौपदी जी ने पांडवों के राज्यपाट वापस मिलने के लिए भी छठ किया था। और एक और कथा प्रचलित है कि एक बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम शयाति था और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई। एक बार शयाति राजा जब वन में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो उनकी छोटी सी बच्ची जो थी वो भी जाने की जिद करने लगी और उनके साथ वन में चली गई। वन में पामली के ऊपर दो चमकती हुई चीजें देखी जो असल में एक ऋषि मुनि थे और वो तपस्या में ली थी। तपस्या के कारण उनके शरीर पर पूरी मिट्टी जल गई थी, वो दीमकों का पामली के अंदर छुप गए थे और उस बच्चे को कौतूहल हुआ कि ये क्या चमक रहा। उसने उसमें चुभो दिया एक कांटा और इस प्रकार ऋषि मुनि की दोनों आंखें अंधी हो गई। ऋषि मुनि ने राजा को श्राप दे दिया लेकिन राजा ने उनसे श्राप के लिए माफी मांगी और कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ संपन्न कर देता हूँ। और इस तरह एक राजा की बेटी एक तपस्वी नहीं बनकर जंगल में उस साधु के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन नदी किनारे उसने देखा कि कुछ साधु कन्याएं कोई व्रत कर रही थी। सुकन्या उसके पास गई, वो शरियाती राजा की बेटी सुकन्या, और पूछती है कि आप सब क्या व्रत कर रही हैं। तो उन नाथ कन्याओं ने कहा कि हम लोग छठ का व्रत कर रही हैं जिसे करने से हित मित कुल परिवार सबका तन धारण होता है। और यह सब सुनने के बाद सुकन्या ने भी छठ का व्रत किया और राजा शरियाती की बेटी सुकन्या ने अपने पति चवन ऋषि को निरोग कर लिया, उनकी आंखें ठीक हो गई और इन्हीं मान्यताओं इन्हीं प्रचलित कथाओं पर बेस्ड है हमारा छठ पर्व। मनोरम और पावन है ये छठ का त्योहार जो अब बिहार में ही नहीं देश विदेशों में धूम मचा रहा है और गरिमा पा रहा है। और कहते हैं सच्चे मन से जो भी छठी मैया के घाट पर आके आराधना करता है छठी मैया उसके हित मित कुल परिवार सबका कल्याण करती है। जय छठी मैया। इस तरह हम देखते हैं कि छठ की महिमा कुछ इस तरह है कि हर कोई चाहता है कि वो अपने घाट पर ही छठ को मनाए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने ही घर पे अपने ही छठ घाट पर जरूर आए और अपने ही मित्र परिवार के साथ छठ जरूर मनाएं। मैं कुंदन कुमार रॉय अब आपसे लूंगा विदा और सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देसी अड्डा की तरफ से, समस्त उपचारों की तरफ से और नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल की तरफ से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।